तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को जानने वाले हैं। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में लिखकर आना होता है। चलिएगा जानते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है, यौवनारंभ के समय लड़कियों में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब चलिएगा क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं यौवनारंभ के समय लड़कियों में। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यौवनारंभ के समय लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो देखिएगा सबसे पहला जो परिवर्तन होता है ना, यहाँ से आप लोग देख लें क्या लिखा है, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी क्या लिखा है, गहरा होने लगता है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरी तरह से अच्छे से आप लोग इसको याद जरूर कर लें। तो पहला पॉइंट तो ये आपका तैयार हो जाएगा। आपको ये बताना है कि यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो देखो पहला तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा दूसरा पॉइंट यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लें, जननांगीय क्षेत्रों में बालगुच्छ निकल आते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखिएगा ये अधिकतर 3 या फिर 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसके लिए आप लोग कम से कम 3, 4 या फिर 5 पॉइंट आप लोग अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो 2 पॉइंट्स अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ, पहला पॉइंट ये रहा और उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये रहा। यहाँ से आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से तैयार जरूर कर लें। अब इसके बाद में देखिएगा तीसरा पॉइंट ये लिखा है, पैर हाथ और चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं। तो देखो तीसरा पॉइंट यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखो चौथा पॉइंट देखते हैं, रजोधर्म महावारी होने लगता है। तो देखो चौथा पॉइंट ये आ जाएगा। और इसके अलावा पांचवा पॉइंट देखते हैं, तो देखो पांचवा पॉइंट यहाँ पर आपको लिख देना है, कभी कभी मुहासे निकल आते हैं। तो देखो ये 5 पॉइंट है, तो यहाँ से आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले, क्योंकि ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं के पेपर में जरूर पूछा जाता है। और ये बिल्कुल एकदम सरल सा भी है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। एक ही बार में या 2 बार में पढ़ने पर ही ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।